सुबह से घर के काम से खाना पीना बच्चों को टिफिन सब बन गया, काम भी हो गया, किचन साफ और कर दें। उसके बाद मुझे जाना है बैंक, और बैंक जाए और फिर चेक है क्या कर रहे हैं। लेकिन घर के काम से तो पूरी तरीके फुर्सत, बस नहा धो के पूजा पाठ कर लें, फिर अभी उनसे लिख लें बैंक के लिए। बैंक में मेरे क्या डायरी चेंज करानी है, तो डायरी लेने जानी है बैंक से। तो ठीक है, आप मेरे संगे बने रहिए। तो हम निमट चुके हैं अपने घर के काम से, काम कर लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दो है, सब बच्चे चले गए, टिप्पण बनाए दो, जिसका फलार बनाना था उसका फलार बनाए दो है, और खाना पीना से सबसे निमट गए हैं। बज गई है 10:30, पूरे नहाए धोए के पूजा पाठ कर ली, घर के काम से भी निमट गए, सब हर काम से निमट गए, मतलब कपड़े लत्ते इनसे सबसे निमट के अब हम जा रहे हैं बैंक। बैंक जाए के बैंक का काम करें, क्योंकि बैंक में क्या है डायरी चेंज, दूसरी डायरी लानी है मेरे को, तो बैंक जाना है, बैंक से डायरी लाना है। फिर उसके बाद मुझे जाना है हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाएँ तो हाँ वहाँ की मतलब वीडियो बनाएं दिखाएं आप लोगों का। हनुमान टेकरी है, मतलब राम टेकरी है, पर वो ना हनुमान जी का ही मंदिर है, नाम है उस जगह का राम टेकरी। और उसके बाद देखते हैं किस्त बननी है, आज मंगलवार है तो किस्त भी बननी है, तो देख रहे हैं किस्त कैसे भर के जाऊँ। किस्त वाला 11 बजे है और हमें जाना है, तो टाइम लग जाए 1.5 घंटा तो लग ही जाए, 2 घंटा, तो देख रहे हैं कैसे मतलब जुगाड़ बैठे, जैसे जुगाड़ बैठे हैं तो हम देखो सब तरीका से निबट गए, मेरा घर का पूरा काम कंप्लीट। अब मैं जा रहे हैं, ठीक है हमारे साथ बने रहिए, चलिए हमारे साथ देखिए कहाँ कहाँ गए। देखो ये भाभी जी बैठ गए मेरे साथ में, और हम जा रहे हैं बैंक, पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। ये बैंक में देखो बैंक की सीढ़ियाँ हैं, हम आए थे बैंक, जा रहे हैं खाली हाथ क्योंकि एंट्री मस्त डायरी चेंज नहीं हुई मेरी। मैं तो बैंक से जा ही रहे हैं क्योंकि डायरी तो मिल गई है पर एंट्री नहीं भाई है, और टेम्पो वाले आ जाए तो और अच्छा रहे। देखो ये बैंक है मेरे, ये बैंक है, ये बैंक है बड़ौदा, इसमें आए हैं 4 भुजानाथ जी के। फ्रेंड्स तो ये मेरी मम्मी तैयार हो रही हैं, डांडिया खेलने जा रही हैं। हाँ ये देखो तैयार हो रही हैं, डांडिया वांडिया खेलने जाएंगी आज जीरे, और अभी मंदिर पे जाएंगी, वहाँ का माहौल आप लोगों को बताएंगी पूरी बात। डोली भी जा रही है मम्मी के साथ, ये भी केवी मूड हो रही है अपना। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मेरी मम्मी डांडिया खेलने नहीं जा रही, मेरी मम्मी को सिग्नल मिल गए। देखो कैसी है, बहुत बेकार है, बहुत परेशान कर रही है मैं आज हैं। फालतू में क्या करा, बहुत ज्यादा तंग कर रही है। ये देखो वाह, ये तो मेरे इला। इसको पता नहीं मेरे क्या आ रही है, बहुत ज्यादा ही कम है ये है मेरे घर में, एक से लाड़ करे ना तो दूसरे। अरे पागल है क्या, तो हम जा रहे थे डांडिया खेलने, अब डांडिया खेलने तो नहीं जाए, पर हाँ रामलीला देखना जरूर जाए, चाहे कोई जाए अथवा नहीं जाए, संग सहेलियाँ जाए अथवा नहीं जाए, पर हाँ रामलीला देखने जाए। अब क्या करें, कौन यही रह गया। तो ये देखो माता जी पर डांडिया खेलनी चाहिए, तो ये दोनों बहने घर में डांडिया खेलने लगी हैं। माता जी माता जी के तीर्थ नहीं जा पाए रही ना, इसलिए नहीं अरे यार बच्चे बच्चे का भूसा आपके मेरे यहाँ बहुत अच्छी बैठती थी करे माता जी, बहुत बड़ी सी मूर्ति बैठती करे माता जी की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे इन माता जी नहीं बैठ रही है, और दो दो तीन फील्ड है जहाँ माता जी बैठ रही हैं, मतलब एक मतलब माना मंदिर में है। मान क्या डांडिया किस किस जगह भूल रही है, माता जी कहाँ कहाँ बैठी हैं,
बाल मंदिर, गणेश मंदिर और ये अपनी बाल मंदिर में माता जी हैं, बैठी हैं, मतलब माता जी आपकी बड़े बड़े गिने चुने फील्डन में बैठी हैं। पहले तो क्या हो तो हर मोहल्ला में माता जी बिठाए लेते और सब जने चंदा दे के जो भी है तो करते ही थे करे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार माता जी ने बैठी हैं, बड़ा दुख की बात है यहाँ पे, इसलिए अब की बार मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं रामायण देखने। ये हमारे यहाँ की रामायण चल रही है। सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कैसी लग रही है इस बार की रामायण? सब वेद मंत्री है, बढ़िया उनके सर पर पेट मुकुट बना था और तर्कश भी था। तो सीता जी ने सोचा, यदि मैं यहाँ से ऊपर हाथ उठाती हूँ तो स्त्रियों की मर्यादा खत्म हो जाए, क्योंकि तो सीता जी यहाँ से ऊपर हाथ नहीं उठा रही है। और भगवान श्री राम अपने हृदय में ये सोच रहे हैं, कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने, सर को झुकाए कैसे हम सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे हम सीता के सामने, सीता के सामने, सीता के सामने। राम जी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि अपना सर अपनी पत्नी के सामने हम झुकाए तो क्यों झुकाए और किस लिए झुकाए, माला सीता को डालनी है तो सीता डालती रहेगी। सीता जी राम जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी की ओर देखती हैं और अपने हृदय में सोचती हैं, क्यों ना मैं अपने देवर लक्ष्मण से कुछ सहायता लूं ताकि ये माला अपने पति को पहना सके। कुछ ठिठकी, ठिठकी कहते हैं डरने को, पहले तो डरी क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही थी और सीता जी ने सोचा हम आज्ञा दे रहे हैं पर आज्ञा का पालन करें ना करें ये इनकी मर्जी पे है। फिर भी डरती थी मन में और ये सीता ने बिचारा आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सहारा, मुझे दीजिए सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को लुटा दे, ओ हो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को लुटा दे, भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। कुछ खिटकी मन में और ये सीता ने बिचारा आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, ऐसे के अवतार मुझे दीजिए सहारा, लक्ष्मण तुम तो शेष के अवतार हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते, कुछ देर के लिए इस पृथ्वी को अपने हथेली पर उठाओ ताकि मैं जरा ऊपर उठ जाऊंगी और तुम्हारे भैया को ये जयमाला पहना दूंगी तो वापस पृथ्वी को रख देना। तो लक्ष्मण जी अपने हृदय में सोचने लगे कि माँ ने हमें ये कैसा आदेश दे दिया, सबसे पहले आज्ञा दी और वो भी पृथ्वी को उठाने की, राम जी आशीर्वाद दे देते हैं। पर लक्ष्मण खड़े नहीं होते, बड़ी सोचने की बात है। तब
भगवान श्री राम जी भी जान जाते हैं कि लक्ष्मण हमें रोज प्रणाम करता है, आशीर्वाद देते ही तुरंत खड़ा हो जाता है। आज ये खड़ा नहीं हो रहा, तो ये दोनों देव और भाभी की कुछ न कुछ चाल है। ये दोनों मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु मैं नीचे नहीं देखूंगा, किस कारण से नहीं देखूंगा। फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को, फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सकती जय राम चरण पति, जय जय हो जानकी, जय राम चरण पति, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय बोले रामचंद्र भगवान की। जब राम जी अपने सिंहासन से उठकर अपने भाई को जो ही उठाने के लिए नीचे झुके, तो सीता जी बस इसी का इंतजार कर रही थी। जो ही नीचे उठ झुके और झट से माला गले में डाल दी। इस प्रकार माँ सीता ने भगवान श्री राम को माला पहनाई और ये सुंदर मार्मिक दृश्य अब यही पर जितने भी श्रीरंग पधार रहे हैं जोर से ये कर रहे हैं, बोलिए श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये 11 मिनट भेंट का समय है। दस में गुप्तदार डाली खड़े वाले, दस रुपए गुप्तदार डाली, दस रुपए गुप्तदार आई कौन एक सुबह कैसी जी आनी चाहिए। 10 रुपए गुप्तदान, ये 10 रुपए 20 रुपए तो आरती में डाल दिया करो। 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए गुप्तदान। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए ये जो आप लोग गुप्तदान कर रहे हैं भगवान के बेटा ने 101 रुपये मंगल देवा की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपये मंगल देवा आपके। अब तू ही तो बता दे मारा बापू, जो जाऊ तोली धापू, अब तू ही समझा दे मन, तू ही समझा दे मारा बोला बापू जी पढ़ाई छोड़ दे। कहीं देव राजेंद्र ने किसी पहाड़ के ऊपर बंदे का प्रहार तो नहीं किया, भर के फिर मंगधार थे जल्दी तरका से लूट गयो, कभी ध्यान तेरा फिर मंदिर का, अब ध्यान समाधि से छूट गयो। ध्यान लगा करके देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसा लगा कि मिथिलापुर के अंदर भगवान शंकर के थल का किसी ने खंडन किया है। जाकर देखता हूँ कि ये कौन है जिसे भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। महादेव पास में लंदी थे कि नहीं पहुंची आवाज, जोर से जो बोलो, जो बोलेगा जय मेरे छोरी वाली, मेरे उदो बरसा लो मैं ऐसा को ले बोलो लो जय मेरे छोरी वाली छे छे लड़की वाली लगे आ जेली बोली दो और देख लो होने के हां तो लगे छोरी को डर तो लगे है मां ब्याह कर लूं बड़ा आई जा आई जा रिपेयर गले लगने बड़ा बच्चा का हला कोई बात नहीं बच्चे को भाग बच्चे ले रहा है। आगे आपके सामने प्रोग्राम शुरू है, शायद उपेश्वर डर लक्ष्मण प्रश्राम समाप्त होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हाँ जब तक ये भी
आयुष्मान भाव महाराजा विजयराज जनक श्री सिंध की लहर बड़ी नम मंड छाई कल्पना आकाश कहां से ये रोआई डूब न जाऊं भूप कीर्ति सागर के जल में चंद्र सूर्य नमक तो घड़े रखिए बगल में ऐसे यशवान की निश्चित प्रेरणा या कार हो नित चवर तेरी चाकरी चवर चोर वरदान आयुष्मान भाव मेरी पुत्री सीता ऋषिराज आपको प्रणाम कर रही है। सीता सीता की मांग में सुहाग सिंदूर इसलिए विदित होता है कि सीता का विवाह हो चुका है। सौभाग्यवती हो जाओ नमो नारायण नमो नारायण कहिए राज शिव आपका यज्ञ संपूर्ण हो चुका विश्वामित्र मिले पद सरोज मेले पूजा बेगी प्रकार से करना रानी कार्य धनुष की पूजा करना सीता ने उसी धनुष को अपने पाया से उठाया और धनुष की पूजा की। चलो अब चले करें। मैं बाहर से वापस आया मैंने पूछा रानी धनुष की पूजा की या नहीं की। चलो उसने कहा कि महाराजा इधर से चले मैं कार्यवश से धनुष की पूजा करना भूल गई लेकिन तुम्हारी सुकुमारी ने चलो अपने बाया हाथ से धनुष क्या कारण है इसका? चिंता मत करो ऋषिराज इसका कारण मैं बताता हूँ एक क्षण की बात है जा रहे मैं कार्यवश बाहर चला गया बनो चौपट का डालूंगा है जहाँ तक ख्याल तेरा उलट उलट कर डालूंगा किसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया अरे क्या अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है बल समाज को छोड़ करके हमारा ब्लॉग है यहीं पे खत्म हो रहा है हम जा रहे हैं अपने घर पे रामलीला देख ली है ठीक है ना हमारी है ना रामलीला हो रही थी और क्या है रात को बज गई 11:30 अब जाए नहीं तो सुबह काम वाले भी उठे हैं सुबह 4:00-5:00 उठाई देते हैं इसलिए हमारा ब्लॉग यहीं पे अब ख़त्म कर रहे हैं हमारे ब्लॉग में बने रहिए।